विमेन बिग बैश लीग 2023 का फाइनल मुकाबला जो कि खेला जाने वाला एडलेड स्ट्राइकर वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में, दोनों ही तगड़ी टीम इस मैच को फाइनल खेलने वाली है और इस नौवे सीजन का विनर कौन बनने वाला है गाइस। लेकिन इससे पहले अगर हम अपने कल वाले मैच की बात करें तो हमारी वीडियो वाली प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई थी। जिस प्लेयर पे हमने प्रेडिक्शन दी थी, जिस बॉलर पे प्रेडिक्शन दी थी, सब कुछ एकदम सही दिया था। लेकिन क्या होता है, लाइनअप आने के बाद कभी कभी थोड़ा रिस्क फैक्टर लेने की आदत है, तो वो रिस्क फैक्टर कभी कभी काम नहीं करता है गाइस। तो कल दिन उतना अच्छा नहीं रहा था हमारा, लेकिन आपको बता देती हूँ, खेल है, हार जीत लगी रहती है, डीमोटिवेट नहीं होना है। इस मैच में धमाका करने वाले हैं गाइस, और इसके बाद भी, इतने के बाद आपका जो प्यार, सपोर्ट और साथ विश्वास मिलता है, उन सबके लिए थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह का प्यार बनाए रखिएगा, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं कि मतलब बहुत ही खुशी मिलती है, और आप भी इसी तरह खुश होकर खेलो ताकि कि आगे की हम विनिंग बहुत जबरदस्त कर सके। अभी एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी पांचवा T20 जैकपॉट मैच बाकी, और ये फाइनल मैच विमेंस के मैच में आपको ग्रैंड लीग जीतना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। और इस फाइनल मैच में हम आग लगाने वाले हैं गाइस, क्योंकि यहाँ अगर आपको बता देती हूँ ना, दोनों ही टीमें दो दो बार चैंपियन रह चुकी है, 8 सीजन हो चुके हैं, दो दो बार दोनों टीमें चैंपियन रह चुकी है। ये यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट 18-19 और 21-22 की एडलेड स्ट्राइकर कंटिन्यूअसली तीसरा सीजन फाइनल खेल रही है, एडलेड स्ट्राइकर डिफेंडिंग चैंपियन, तो यहाँ पर कौन बाजी मारने वाला है। और अगर बात करें, ये मुकाबला 2 दिसंबर को 1:40 पे एडिलेड ओवल के मैदान में खेला जाने वाला है। और गाइस सारी बातें करेंगे, तो वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल गाइस। आपको करना क्या है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर करना, 1 सेकंड लगता है, जल्दी से लाइक कर देना। इस मैच की मैं हम बात करेंगे, इस मैच की ग्रैंड लीग टीम क्या रहने वाली है, वेन्यू स्टैट्स के साथ सारे खिलाड़ियों की रीसेंट परफॉर्मेंस, बॉलिंग ऑर्डर क्या रहेगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ग्रैंड लीग पिक्स, और इस मैच का ट्रम्प कार्ड प्लेयर मतलब कि गेम चेंजिंग प्लेयर कौन सा होने वाला है। तो गाइस क्या यहाँ पर टाइला मैग्रा अमेलिया कर में से कैप्टन वॉइस कैप्टन किसको क्रिएट करना है, वॉलवार्ड जिनका हमेशा से रिकॉर्ड रहा है फाइनल में जबरदस्त पारी खेलने का, जी हैरिस क्या उनसे बड़ी पारी खेल के इस मैच में देने वाली, गिब्सन जोनासन में कौन सी खिलाड़ी इस मैच की जीएल की ट्रंप प्लेयर बनने वाली है, बात करें वहां हैंकॉक की या फिर मेगन शूट की, तो गाइस इस मैच में ज्यादा विकेट निकाल के कौन देने वाला है, इतने सारे कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं सबका सॉल्यूशन आपको यहां मिलेगा गाइस। इसके अलावा आपको पता है कि फैंटेसी क्रिक बॉल पे आपको हमेशा गिव अवे मिलता है, करना कुछ नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है और 2 इजी क्वेश्चन का आंसर देने के साथ टेलीग्राम का मेंबर होना जरूरी है, जिसका फायदा आपको मिलने वाला है। क्योंकि गाइस आप सबको पता है, बैक टू बैक हर मैच की आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सारी टीमें बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, एक भी पैसे नहीं लगने वाले, बिल्कुल फ्री में टीम मिलेगी। इसके साथ अगर आप किसी भी फैंटेसी ऐप पे खेलते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सारा सॉल्यूशन रिलेटेड टू योर विड्रॉल, रिलेटेड टू योर वेरिफिकेशन, सारा सॉल्यूशन आपको क्रिक बॉल की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो गाइस फटाफट जाओ टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, उसके जस्ट ऊपर मोर का ऑप्शन, मोर पे क्लिक करते ही फोन में ओपन होगा ये पेज, यहाँ पर दिखेगी टेलीग्राम की लिंक, लिंक पे क्लिक करना है, टेलीग्राम पे आ जाओगे। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भरोसा दिखा दिया है क्रिकबॉल फैमिली, हमारी 1 लाख की फैमिली टेलीग्राम की कंप्लीट हो चुकी है, और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, और जो नहीं है वो जुड़ जाना है गाइज। यहाँ पर आपको बहुत ही मेहनत और जो इतनी सारी चीजें आपके लिए की जा रही है, आपको चीजें समझ में आएगी, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है आप लिंक से ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लेना है। वेन्यू की बात करें अगर एडिलेड ओवल की, तो गाइस काफी ज्यादा बैलेंसिंग पिच है, विल प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर बोथ बॉलर एंड बैटर, सबको मदद मिलती है यहाँ पर अगर बात करें, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बाउंस मिलेगा, पेस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपके पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। अगर स्टैट्स की बात करें पिच की, टोटल 21 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से चेस करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं, एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग 126 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मेलबर्न स्टार्स विमेन्स ने बनाया 181 पे 1 है, लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पर्थ स्कॉचर विमेन ने बनाया 82 पे 9 विकेट है। अगर बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो 150 से नीचे का स्कोर 18 बार, 150 से 170 का स्कोर 1 बार, 170 से 189 दो बार बन चुका है। गाइस आप देख सकते हो सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पर अगर आप देखो तो 150 से नीचे वाला स्कोर बनता है। पेस वर्सेस स्पिन में मैंने आपको पहले ही बताया, पेसर यहाँ ज्यादा अटैकिंग साबित होने वाले हैं,
बात करेंगे आखिरी जो कुछ मैच इस पिच पे खेले गए, रीसेंट मैचेस में कितने रन बने, किसको विकेट ज्यादा मिली है, पेसर को, स्पिनर को, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में। तो लास्ट जो मैच पर्थ स्कॉचर एडलेड स्ट्राइकर का खेला गया था गाइस, वो मैच अगर मैं बात करूं, एडलेड स्ट्राइकर ने जीता था, 15 विकेटें गिरी थी जिसमें से 11 विकेटें आपके पेसर ने निकाली थी, जिसमें फर्स्ट इनिंग में पेसर को ज्यादा विकेट मिली है और स्पिनर ने 3 विकेट निकाली है। ठीक है, एक और बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच में, यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीता है। टोटल आप देखो 17 विकेटें गिरी है जिसमें से 8 विकेट निकाली है आपके पेसर ने। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फर्स्ट इनिंग में पेसर को ज्यादा मदद मिली है, स्पिनर को मिली है टोटल 7 विकेटें, स्पिनर को दोनों इनिंग में मदद है। फर्स्ट इनिंग में भी आपके एक दो विकेट जाएगी वहां स्पिनर लेंगे और सेकेंड इनिंग में भी 2-3 विकेट, लेकिन पेसर को अगर आप देखो तो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा मदद है। यहाँ पर ये मैच देखेंगे सिडनी थंडर वर्सेस ब्रिस्बेन हीट, यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने चेस करते हुए जीता था। टोटल विकेटें गिरी थी यहाँ पर 12 जिसमें से 3 विकेट पेसर को मिली है, फर्स्ट इनिंग में कोई विकेट नहीं मिली है और स्पिनर को मिली है 9 विकेट। तो गाइस यहाँ पर लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर सिनेरियो देखोगे तो पेसर को ही ज्यादा मदद है और फर्स्ट इनिंग में ज्यादा है और चेस करने वाली टीम के जीतने के चांस ज्यादा है। तो यहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला है इस मैच में। बात करेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं गाइस एडलेड स्ट्राइकर विमेन, जो कि बहुत ही गजब का अगर रिकॉर्ड आप देखो ना, बैक टू बैक तीसरा फाइनल, टीम का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई रहने वाला है इस मैच में। ओपन करने आएंगी के मैक, उनके साथ देते हुए देखेंगे वॉलवॉट, वॉलवॉट इस मैच की ट्रम्प खिलाड़ी हो सकती हैं। ताइला मैग्रा देखो हिट भी कर सकती हैं, फ्लॉप भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके पे बोझ पड़ेगा, सारे सीवीसी जाने वाले हैं। फिर नजर आएंगी पैटरसन, एम पेना, डेनियल गिब्सन इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट कड़ी रहेंगी। डैर्सी ब्राउन को आप ट्राई कर सकते हो अगर ये टीम पहले गेंदबाजी करने आती है। तो उसके बाद ए वेलिंगटन, वेलिंगटन जीएल पिक रहने वाली है, बासबी मेगन शूट विकेट टेकर बॉलर, हर मैच में विकेट निकालती है। और अगर ये टीम पहले गेंदबाजी आती है तो आप ग्रैंड लीग में मुशंगवे को ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में ड्रॉप किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको ग्रैंड लीग में किसको ट्राई करना है, स्मॉल लीग में किसके साथ जाना है, सारी चीजें काफी डिटेल में बता दी। लेकिन बात होगी यहाँ पर स्टैट्स की, बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी 5 मुकाबले के स्टैट्स की, कि रीसेंट क्या परफॉर्मेंस है जिसके बेसिस पे हमें अपने स्मॉल लीग में कौन से खिलाड़ियों को सेफ और ग्रैंड लीग में रिस्की पिक कौन से उठाने हैं। तो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे के मैक राइट हैंडेड बैटिंग 26-45-0-24-24। आप देखो अगर आप लास्ट 3 मैच देखो तो कोई बड़ी पारी नहीं आई है। वॉलवॉट की बात करेंगे राइट हैंडेड बैटिंग 47-7-70-9-73, हर एक मैच बाद एक ड्रॉप है। तो क्या इस बड़ी पारी के बाद यहाँ ड्रॉप है, लेकिन ये फाइनल मैच है, यहाँ वॉलवॉट प्रेशर नहीं लेंगी और हमेशा से फाइनल में अच्छा खेलती आई है, इस मैच में भी अच्छा खेलती हुई दिखेंगे। ताइला मैग्रा जो कि टीम की यहाँ पर कप्तान भी है, राइट हैंडेड बैटिंग, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग, 1 विकेट, 38 रन, 2 विकेट, 4 रन, 14 रन, 1 विकेट, लास्ट मैच में 22 रन, 3 विकेट निकाला था। उसके बाद नजर आएंगे पैटरसन, यहाँ पर राइट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपिंग, आपको देखो विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दिला सकती है, यहाँ पर रन भी आपको 20-25 रन बना के दे सकती है। फिर नजर आएंगे एम पेना, जिनके साथ मैं नहीं जाने वाली हूँ, आप जीएल में जा सकते हो। डेनियल गिब्सन इंपॉर्टेंट कड़ी रहेंगी, राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग, 0 विकेट, 3 विकेट, 20 रन, 2 विकेट, यहाँ पर 1 विकेट। डैर्सी ब्राउन राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराती है, फास्टर को मदद है। और आप स्टैट्स भी देखो ना तो आखिरी के सारे मैच में इनको भी विकेट मिल रही है। वेलिंगटन राइट आर्म लेग स्पिन, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, आखिरी के 4 के चारों मैच में विकेट मिली है। बासबी की बात करेंगे राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कराती है, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाली थी। मेगन शूट राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। एट लास्ट मुशंगवे की बात करें राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कराती है, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। गाइज अब बात करेंगे यहाँ से हमें सेफ खिलाड़ी कौन से उठाने। अगर टीम पहले बैटिंग करने आती है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप के मैक को भी अपने टीम में जगह दें, लेकिन अगर टीम यहाँ चेस करती है तो आपके वॉलवॉट के साथ जाना है, मैग्रा के साथ जाना है, इसके अलावा गिब्सन आपके टीम में होनी चाहिए, वेलिंगटन आपकी टीम में होनी चाहिए, मेगन शूट और आखिरी ऑप्शन छठा ऑप्शन डैर्सी ब्राउन, ये सारे खिलाड़ी मेरे टीम में यहाँ से कंफर्म जाने वाले हैं। और यहाँ अगर आपको ग्रैंड लीग में रिस्क लेना है तो ग्रैंड लीग रिस्क के लिए आप यहाँ पर के मैक ट्राई कर सकते हो, बी पैटरसन ट्राई किया जा सकता है और मुशांगवे, ये 3 खिलाड़ी इस मैच की मेरी ग्रैंड लीग पिक रहेंगी जो रिस्की और इनके सिलेक्शन परसेंटेज भी काफी ज्यादा कम रहने वाले हैं। तो गाइस आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करेंगे यहाँ पर
दोनों यहाँ पर अगर देखें बॉलिंग ऑर्डर की, तो पावर प्ले में वेलिंगटन, शूट मुशंगवे, डर्सी ब्राउन, बाजवी बॉल डालेंगी। मिडिल ओवर में वेलिंगटन, मैग्रा, मुशंगवे, डर्सी ब्राउन एंड गिब्सन बॉल डालने वाली है। डेथ में बॉल डालेंगी मेगन शूट, मुशंगवे एंड बाजवी। यहाँ पर गाइज देखो, कंफर्म जो चार ओवर करेंगी वो मेगन शूट के चार ओवर पूरे होंगे, डर्सी ब्राउन के चार ओवर पूरे होंगे, मुशंगवे के चार ओवर पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर दो से तीन ओवर डालेंगी मैग्रा, दो से तीन ओवर, एक दो ओवर डाल सकती है यहाँ पर डैनियल गिब्सन के, एक दो से ज्यादा ओवर पड़ेंगे नहीं। इसके अलावा आपके दो तीन ओवर डालेंगे यहाँ पर बार्सबी डालेंगे और ये वेलिंगटन के चार ओवर। तो गाइस इस तरीके से आपके ओवर्स बटेंगे यहाँ पर, ओवर बटेंगे यहाँ पर, मैग्रा के ओवर कम होंगे, गिब्सन के ओवर हो सकते हैं यहाँ पर घट सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन अगर मैं बताऊं गेंदबाजी से, आपके डैनियल गिब्सन, मैग्रा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम की तरफ से रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ के बाद अब मैं बात करूंगी यहाँ से सामने वाली टीम की, जिसके बारे में ब्रिस्बेन हीट की अगर मैं कहानी बताऊं, ये भी दो सीजन की विजेता रह चुकी है और ये तीसरा सीजन है जब फाइनल खेलने आ रही है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं ना गाइस, जो आखिरी सीजन ब्रिस्बेन हीट ने, एक सीजन 2019 में एडिलेड के सामने ही फाइनल जीता है, तो फाइनल में ब्रिस्बेन हीट के आंकड़े अच्छे और बैक टू बैक तीन मैच जीत के, कंटिन्यूअसली जीत के फाइनल पहुंची है। तो इस मैच में हीट तो बनने ही वाला है, यहाँ पर ओपन करने आएंगी जॉर्जिया, उनका साथ देते हुए दिखेंगे। ग्रेस हैरिस लास्ट मैच में आग लगाया था, जिसने फिर बैक टू बैक नजर आएंगी। अमेलिया कर्ब हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देती है, ये सारे खिलाड़ी देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एम डुप्री ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, हैरिस फिर नजर आएंगी, सीन और बैक टू बैक देखने को मिलेंगे, जेस जोनासन बिल्कुल सेफ खिलाड़ी भी ही, जॉर्जिया वॉल, जी वॉल ने लास्ट मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और हैंकॉक। तो गाइज ये जो कुछ खिलाड़ी एटलास सिंपल नजर आने वाली है, तो ये जो मैंने आपको राउंड ऑफ कर लिया ना, ये पांच खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। छठा खिलाड़ी मैं सिंपल के साथ जाऊंगी। इसके अलावा अगर आपको रिस्क लेना है ग्रैंड लीग में, तो आपको जॉर्जिया ट्राई कर सकते हो, हालांकि विकेट कीपर में मुझे लग नहीं रहेंगे अलावा ऑप्शन होगा। एम डू प्रीस को आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, बाकी और सी नॉट को, ये तीन खिलाड़ी इस टीम की तरफ से मेरी जीएल पिक रहने वाली है गाइस, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कड़ी। बात करेंगे सारे खिलाड़ियों के आखिरी पांच मुकाबले के स्टैट्स की, जिसके बेसिस पे हमें अपने सेफ और रिस्की प्लेयर डिसाइड करने हैं। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर गाइस, अगर हम जॉर्जिया की बात करें, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपिंग 32-6, 21-18, 11। ग्रेस हैरिस की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ स्पिन 15-2, 16-45। आखिरी दोनों मैच में देखो बैक टू बैक बड़ी पारियां आई है। अमेलिया का राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म लेग स्पिन 36 रन 2 विकेट 64 रन 20 रन 48 रन 1 विकेट 31 रन 0 विकेट। एम डू प्रीस की बात करेंगे, राइट हैंडेड बैटिंग 17-42, 12-10, आखिरी मैच में 26 रन बनाया था। हैरिस की बात करें अगर यहाँ पर, एल हैरिस 3-1, 19-12, 24। बैटिंग नीचे आएगी तो यहाँ पर रखना कोई मतलब नहीं। सी नॉट राइट हैंडेड बैटिंग, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग 6-0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। लास्ट मैच में विकेट नहीं हुई थी, रन बना रही है जहां मौका मिल रहा है। जयस जोनासन लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन 17 रन 0 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट। जयस जोनासन हर मैच में ले रही है। बी ही राइट हैंडेड बैटिंग, विकेट कीपिंग आप देखो बैटिंग बहुत नीचे आएगी। जॉर्जिया वॉल की बात करेंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिन 0 विकेट 2 विकेट 0 0। देखो दो मैच से विकेट नहीं बोली थी और आखिरी मैच में मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि आप जीएल में ट्राई करो, देखो 4 विकेट लेके गई थी जी वॉल। हैंकॉक की बात कर लेते हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। एट लास्ट बात करेंगे सिंपल की, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली है, 2 विकेट यहाँ कंफर्म मिलने वाली है। गाइज यहाँ से अगर आप सेफ जाना चाहते हो, जॉर्जिया हैरिस अमेलिया कर, ये तीन सेफ ऑप्शन है। इसके अलावा जेस जोनासन, हैंकॉक, ये पांच एकदम सेफ ऑप्शन है। अगर छठा ऑप्शन आप पूछोगे तो सिंपल जो मैंने पहले ही बताया, और जीएल में आपको ट्राई करना है एम डू प्रेस को, यहाँ पर सी नॉट को और जी वॉल को। ये तीन खिलाड़ी मेरी जीएल पे किस मैच की रहने वाली है, तो गाइस स्क्रीनशॉट लो और इसी तरीके से टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की बॉलिंग ऑर्डर क्या रहेगी, तो यहाँ पर देखो पावर प्ले में बॉल डालेंगी अमेलिया कर, सी नॉट, हैंकॉक, जोनासन, और यहाँ पर सिप्पल और मिडिल ओवर में बॉल डालेंगी अमेलिया कर, जी वॉल, जोनासन, हैंकॉक, ग्रेस, सिप्पल और हैरिस, और यहाँ पर डेथ में बॉल डालेंगी जोनासन, सिप्पल, हैंकॉक और अमेलिया कर। जिसमें से गाइज अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अमेलिया कर भी अपने 2 से 3 ओवर कम से कम करेंगी, हैंकॉक के भी 3 से 4 ओवर कम से कम होंगे, जोनासन अपने 4 ओवर पूरे डालेंगी, सिप्पल के यहाँ 4 ओवर पूरे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवर, यहाँ पर हैरिस को एक ओवर मिल सकता है, इससे ज्यादा देखो यहाँ पर जॉर्जिया वॉल को दो से तीन ओवर वॉल भी डाल सकती है। तो आप गाइस यहाँ से देख सकते हो किसके कितने ओवर होने के चांसेस है, क्योंकि जो खिलाड़ी अपने पूरे ओवर कराएगी उसको विकेट मिलने के चांस ज्यादा होते हैं।
हालांकि विमेंस के मैच में कभी भी बहुत प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम जो चांस रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट टाइम अगर हम बात करें गाइस, बात हुई है प्लेयर परफॉर्मेंस की, एज अ टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीमों ने 21 बार एक दूसरे का आमना सामना किया, जिसमें से ब्रिस्बेन हीट ने 12 मैचे जीते, 9 मैच जीता एडिलेड स्ट्राइकर ने। लास्ट मैच अगर आप देखोगे जो यहाँ पर लीग के मैच खेले गए थे, वहां पर भी जीता था ब्रिस्बेन हीट ने, 2019 के फाइनल में भी जीता था ब्रिस्बेन हीट ने, और इस फाइनल में भी क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। आगे मैं बताऊंगी अपना प्रेडिक्शन, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर गाइस अगर बात करें परफॉर्म किसने किया था, एम पेन्ना ने यहाँ पर हाफ सेंचुरी लगाई थी, गिब्सन ने 34 रन मारा था, मेगन शूट 2 विकेट, वेलिंगटन 1 विकेट, मैग्रा 1 विकेट, सामने वाली टीम से एम डू प्रीज ने 60 मारा था, अमेलिया कर 2 विकेट और सी नॉट 2 विकेट। आप देख सकते हो मेरे जीएल पे क्या आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। और लास्ट अगर इससे पहले वाला मैच देखेंगे जिसको कि एडिलेड स्ट्राइकर ने वन साइडेड विनिंग की थी, इस मैच में गंदा हारा रहा था, यहाँ पर बी पैटरसन ने देखो 70 मारा था, मैंने आपको बोला है जीएल पे एम पेन्ना ने, एम पेन्ना देखो यहाँ भी परफॉर्म किए वहां भी परफॉर्म किए, ग्रैंड लीग में जरूर रख लेना एक आग टीम में। इसके अलावा मैग्रा ने 20 रन मारे, एक विकेट लिया, वेलिंगटन 3 विकेट, मेगन शूट 3 विकेट। सामने वाली टीम से किसी ने भी बैटिंग से कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है, लेकिन जोनासन और हैंकॉक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच में रहने वाली है। तो गाइस स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से आपके कुछ की प्लेयर निकलेंगे जिनको आपको अपने सारे टीम में ट्राई करना है। तो बात कर लेते हैं इस मैच में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। तो गाइस विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, तो मुझे जो लगता है कि इस मैच को ब्रिस्बेन हीट जीतेगी। हीट का हीट इस मैच में, फाइनल मैच में काफी ज्यादा हीट बढ़ता हुआ इस मैच को देखने वाला है, बाकी ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस मैच में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। अगर रीसेंट फॉर्म की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर ने अपने आखिरी 5 में से एक भी मैच नहीं हारी है, 5 के 5 मैच जीती है। वहीं बात करें ब्रिस्बेन हीट की तो 3 मैच जीती है आखिरी 5 में से, लेकिन बैक टू बैक 3 मैच जीत के आ रही है। ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाली कहानी दिख रही है मुझे। तो अगर आप पलड़े की बात करोगे तो एडिलेड स्ट्राइकर भारी है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन जाता है ब्रिस्बेन हीट के साथ। तो गाइस ये बात हुई है यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी की, अब हम बात करेंगे इस मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम क्या रहने वाली है। तो आगे देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर हमने विकेट कीपर में चूज किया है पैटरसन को, यहाँ पर आप वहां रेडीमैन के साथ भी जा सकते हो। बैटर की बात करें हैरिस और वॉलवर्ट्स के अलावा कोई भी मुझे जीएल के एम डू प्रीज एक ऑप्शन दिख रही है। ऑलराउंडर में अमेलिया कर्न, मैग्रा, गिब्सन एंड जी वॉल, यहाँ पर आप सी नॉट भी ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में जोनासन, मेगन शूट, वेलिंगटन एंड हैंकॉक। तो गाइस ये मैंने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई है, यहाँ पर जिसको रिस्क लेना है वो यहाँ ट्राई करेगा डेर्सी ब्राउन को। कैप्टेंसी की सेफ एंड बेस्ट ऑप्शन अमेलिया कर, जस्ट बिकॉज ऑफ बैटिंग परफॉर्मेंस, जबरदस्त बैटिंग करती हैं और इसके अलावा विकेट भी ले सकती हैं। ताइला मैग्रा को मैंने वीसी ट्राई किया, आप चाहो तो इसे वॉइस से वर्षा भी कर सकते हो, आप कैप्टन और वीसी चेंज कर सकते हो। अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क टेकर्स के लिए मेरी सीवीसी जोनासन, हैरिस और वॉलवर्ट भी हो सकती हैं। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले लो, अगर सेम टीम के साथ जाओगे जबरदस्त विनिंग होने वाली है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। बाकी ये बात हुई है स्मॉल लीग की, इस मैच के हमारे जीएल पिक क्या रहने वाली है। तो ग्रैंड लीग विनिंग करने के लिए हमारे फिक्स प्लेयर वॉलवर्ट, जोनासन, अमेलिया कर, मैग्रा, वेलिंगटन, गिब्सन एंड हैरिस, तो ये जो मेरे 7 फिक्स प्लेयर है ना, इनको आपको अपने किसी भी टीम से ड्रॉप नहीं करना है, हर एक टीम में रखना है। ड्रॉप करने की गलती मत करना, नहीं तो पूरा मैच ड्रॉप कर जाओगे। ये आपकी कुछ टॉप की परफॉर्मर है, इसमें से हो सकता है एक आध खिलाड़ी कम परफॉर्मेंस दे, लेकिन गाइज कोई भी खिलाड़ी बहुत जबरदस्त पारी खेल सकती है। 7 में से 5 खिलाड़ी इस मैच की हाइएस्ट पॉइंटर रहने वाली है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। बाकी सीवीसी इन्हीं में से रोटेट करना है, प्रोबेबिलिटी लगानी है, आपको किसी एक को कैप्टन पकड़ के आप वीसी सर्कुलेट कर सकते हो अगर यहाँ पर, बाकी अगर आप चाहो तो सीवी चेंज कर सकते हो। आपको इस तरीके से यहाँ पर सीवीसी क्रिएट करना है। अगर अमेलिया कर को आप कैप्टन पकड़ते हो तो आप यहाँ पर वीसी जोनासन के साथ भी जा सकते हो, वॉलवर्ट के साथ भी जा सकते हो अगर टीम पहले बैटिंग करने आती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ये हमारा जीएल कॉम्बिनेशन लगने वाला है। बाकी आप सबको पता है मेरी फाइनल टीम यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि मेरी फाइनल टीम आती है मेरे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल पे, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ, कॉमेंट बॉक्स में पिन है। तो जिसने अभी नहीं ज्वाइन किया फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना है गाइस। अगर बात करें इस मैच की हमारी गिव अवे क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनने वाला है, और सेकंड क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में, इस बड़े मैच में आपकी मोस्ट विकेट टेकर बॉलर कौन सी रहेगी, सबसे ज्यादा विकेट निकाल के कौन देने वाली। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कर देना है गाइस, इसके साथ साथ हैशटैग जरूर लगा देना, हैशटैग ASW वर्सेस BHW, एडलेड स्ट्राइकर वर्सेस ब्रिस्बेन हीट
वुमेन, एडलेड स्ट्राइकर वुमेन्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स। तो गाइस ये आपको हैशटैग लगाना नहीं भूलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पांचवें T20 के साथ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, लेकिन सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही साथ आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।